ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं पारुल सिंह रुख करती हूं कुछ खास खबरों पर। खबर बोकारो से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने सेक्टर 3A स्थित मतदान केंद्र संख्या 288 पर अपने मतदान का प्रयोग किया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि लोकतंत्र के पर्व में सभी लोग की हिस्सेदारी है और लोगों को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं अपने लोगों से यही कहना चाहूँगी, परिवार के लोगों से, कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप लोग सब आइए और अपनी भागीदारी निभाइए और अपने बोकारो के लिए, चास बोकारो के लिए एक बेहतर प्रतिनिधि चुनिए, ताकि हम अपने बोकारो को एक विकसित बोकारो बना सकें। देखिए, मुद्दों को लेकर के तो मैं क्षेत्र में थी और पूरा बोकारो मेरे साथ रहा। अगली खबर सूरत से है, जहां फूड एंड ड्रग्स विभाग के साथ में रखकर सूरत शहर एसओजी ने मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की है। बता दें कि भेस्तान इलाके के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नशा युक्त सिरप की बिक्री कर रहे मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई है। अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां परासिया विधानसभा में चल रहे अवैध धंधे को लेकर आज परासिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और परासिया विधायक के नेतृत्व में अवैध चल रहे धंधों के खिलाफ पुरजोर तरीके से विरोध किया गया है। परासिया विधानसभा में 4 नगरीय क्षेत्र और 72 ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय अवैध दारू जुआ सट्टा का जोर है, जिससे नाराज समाज में भय का माहौल बना हुआ है। आज परासिया थाने में, इसके बाद चांदामेटा, भड़कुई, अम्बाड़ा चौकी, न्यूटन चौकी और सीपुरी थाने में हमें जो क्षेत्र में चल रहे अवैध धंधे और जो गुंडागर्दी चल रही है, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अवैध धंधों में लिप्त हैं और इस पर रोक लगाने के लिए और पुलिस प्रशासन द्वारा मध्यप्रदेश शासन के दबाव में और जो कांग्रेसियों पर फर्जी मामले बना रहे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए हैं जो कि पुलिस प्रशासन द्वारा कांग्रेसियों पर जबरन मामले बनाए जा रहे हैं, उस पर भी रोक लगाने के लिए हमने आज निवेदन किया है और निवेदन के साथ सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये बात अवगत कराया है प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, कि अगर इसी टाइप की फर्जीवाड़े के मामले बनते रहेंगे तो हम सड़क पर उतर के बढ़ा देंगे। आज परासिया थाने में अगली खबर रायबरेली से है, जहां विद्यालय में गंदगी से बच्चों की सेहत पर असर हुआ है। बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के बावजूद गंदगी के आलम को अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। तैनात सफाई कर्मी, ग्राम प्रधानों, सचिव और शिक्षकों की मिली भगत से स्वच्छ मिशन की धज्जियां उड़ रही हैं। विद्यालय में लगी गंदगी के अंबार और दूषित पानी से होने वाली बीमारियों पर छात्र शिकार हो रहे हैं। छात्रों की जिंदगी और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या नाम है आपका? रामपाल नाम है साहब। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं साहब। ये कैर ग्राम सभा में जो प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पर गंदगी लगी है, इसकी कोई सफाई करने नहीं आता है क्या? यहाँ कहाँ साहब, इसी जगह बच्चे पानी पीते हैं, इसी जगह भोजन प्रसाद करते हैं, इनको कोई डिब्बा उब्बा यहाँ पे देते नहीं रखने के लिए, ये सब गंदगी, यहीं पे पानी पीते हैं, यहीं पे ये पड़ा रहता है साहब, ऐसे गंदगी। यहाँ तो विद्यालय में सफाई कर्मचारी भी हैं। पता नहीं साहब कहाँ, यहाँ अपना बच्चों की व्यवस्था।